के इस जलजट आपकी जो अभी तक कमी थी वो जनाब हमारे लीडर अल्ताफ साहब और इनके साथ जो भी हमारे लीडर हजरात आए हैं उनसे वो पूरी हो गई है और जिनका आपको इंतजार बहुत टाइम से था वो आपके बीच में है। मैं एक नारा दूंगा उसका आप जवाब दीजिए। आवाम की तरफ नौजवान बुजुर्ग मौजन बिलिन तरफ अल्ताफ मे बह वन वे मगर तूत टाइम कह वो वन क्या मकसद कत का कॉलोचन सी तुझ हालात सी क्या दिल मान तम मशवर मं मशवरा ये कैसी हुकूमत है ये कैसी जमहूरियत है। हम मरकजी सजा से कहते हैं जब आप जमहूरियत का दावा करते हैं पहले जरा देखिए जम्मू कश्मीर की हालत यहाँ के लोगों को आपने दिल्ली के नाम पर रखा है यहाँ के लोगों से हर कोई इकदार छीन लिया आपने क्या एकदम दो से कुर्सी रखेंगे ईदगाह क्यों बस इसलिए तो आज ये कह करा तह वो कम मासूम वो पान कम मासूम करो पे अथ ईदगाह मं दफन तुम ऐसा दफन गए तुम ते जाना कंस माज हिंद तुम ना गुलाल तुम फलविन गुलाल तुम गरज सु मन कलस कतिस कलस बोलो शाम वाज सुबह ब्या वाज दिल वाल क्या वो दिल वाल तुम्हें द्राव अथ मं तुम दपान ये बेंट बेंट की बोली बोलेंगे और उनका तो इसी में फायदा है हर जगह ये नहीं है यहाँ आप देखिए किसी भी स्टेट में जहाँ बेंट बेंट की बोली बोली जाती है दिल्ली का फायदा है ये चोस हमसाय हमसाय अगर आसो अगर तिंदिस घर मं कह अलग अलग जबान आसन बोलान अलग अलग मसला आसन तिंद बोलान आज ये शहर खास में अपनी पार्टी का दूसरा प्रोग्राम था जडीबल के बाद आज दूसरा प्रोग्राम किया गया। हमने चाहा कि हम अपने लोगों के साथ बैठ के कुछ हकायक पे रोशनी डालें क्योंकि जो हकायक हैं हकायक से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। हमने कोशिश की अपने लोगों में बैठ के उन हकायक की निशानदेही करें और उन पर इनसे बात करें। सर फैट स्कूल्स के बाद अब प्राइवेट स्कूल्स पर अब शिकंजा कसा गया है उसमें स्टैटलैंड पर जो जितने भी स्कूल्स हैं उनको बंद करने का आर्डर सादर किया गया है जबकि 2 लाख स्टूडेंट्स हैव बीन अफेक्टेड विद दिस ऑर्डर सर योर टेक सर। देखिए जहां तक ये कार्रवाई की गई है जहां पर सरकारी अराजी का या घास चराई का इस्तेमाल किया गया है मुझे लगता है कानून को मद्देनज़र रख के इनके साथ इन स्कूलों के साथ बात की नहीं चाहिए करनी चाहिए इनसे पैसा इन ज़मीनों का हासिल करना चाहिए ताकि बच्चों को एजुकेशन में कोई फ़र्क ना आए। अल्ताफ साहब हमने देखा कि मुख्तलिफ बयान कल आए हैं इलेक्शन के हवाले से फारूकुल्लाह ने एक बयान दिया और उमरुल्लाह ने कुछ ही देर बाद दूसरा बयान दिया इसके हवाले से थोड़ा बताइए किस तरह का प्रचार पाया जा रहा है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ मैंने जैसे अभी अपने लोगों के साथ भी बातों में यही बात कही हम दोगली सियासत नहीं चलाते हैं कि एक बाप एक बात करे और बेटा दूसरी बात करे। मेरी जमात में आप देखेंगे हम सब लीडर एक ही बात करते हैं बात वही है क्यों जब आप सच बोलते हैं तो एक ही बात करते हैं जब आप झूठ बोलते हैं तो आपके मुख्तलिफ बातें होती हैं तो इसलिए वो तो सीधा आया है कि क्या बात क्या हो रही है। क्या लगता है कि जो इलेक्शन का बिगुल बच गया है तो आप झूठ सामने आना शुरू हो गए बिल्कुल इनके जो आप देखेंगे चूँकि इनकी सियासत झूठ पे मबनी है। मैं आज आपको कहता हूँ मीडिया मुझे कहे मैं बिल्कुल चैलेंज मैं मीडिया को करता हूँ आप बताइए एक भी दिन 8 मार्च 2020 के बाद क्या अल्ताफ बुखारिया इसकी जमात ने कोई ऐसी बात कही जो हम आज नहीं कहते क्यों सच एक ही है सच रोज़ बदलता नहीं है सच कैसे बदलेगा। फारूक साहब का है अपना वो क्या करना चाहेंगे वो उनसे पूछे
हाँ हम तो ये कहते हैं कि भैया हमें तो यहाँ सड़कें बनाने, स्कूलों की परेशानी, हमारे बच्चे जो आज फिर पकड़ दकड़ है उनकी परेशानी, उन रोज़गार की परेशानी, हमें तो उन चीज़ों की परेशानी है। ये तो बड़ी बड़ी सियासत करेंगे, हमारी तो छोटी सियासत है। इन अपने लोगों को कैसे जिंदा रह के ये सांस खुले हवा में ये भी सांस लेते। Never miss an update.